ड्राइवर बस रोको। अरे पंडित जी, क्या हुआ? क्यों बस रुकवा रहे हो? हम ऑलरेडी लेट है काफी। अरे वैद्य जी, वो देखिए आरती, सुबह सुबह आरती के दर्शन, इससे अच्छा शुभ लक्षण हो ही नहीं सकता। तेजा को उतरवाएं और फूल माला चढ़वाएं। ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है भाई, सब लोग उतरो नीचे। चलो उतरो, आइए आइए। अरे बस वाले रोकना। रोक रहा हूँ भाई, रोक रहा हूँ। हे राम, स्वर्ग सिधार गए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, इन्हें स्वर्ग में आगे वाली सीट प्रदान करें। जय भोलेनाथ की। बताओ भला, ये कोई मरने की उम्र थी, बहुत जल्दी टपक गए। आए साले, ये लोग कौन नमूने हैं? फूलमाला है? अबे भूतनी के, हम यहाँ बारात से थकार कर सो क्या गए? तुम हमें मरा समझ लिए? बे, माफ करना भाई साहब, आप एकदम मरे जैसे पड़े थे, इसलिए धोखा हो गया हमसे, हमें माफ करो। सही है। इन सब को मारो सालों को। भागो। अरे भाई देखो, कोई बोर्ड दिखाई देता है क्या? मुझे तो आँख से कम दिखाई देता है। रामपुर आ गया। चलो। रोको। पूरा देश हमसे परेशान है, तुम हमको परेशान कर रहे हो। और सबको बोल दो है? जल्दी आइए सब। हाँ। 10 मिनट में बारात चलेगी, जिसको बारात का मजा लेना आ जाइए। क्या समधी जी? नमस्कार। अबे कौन हो तुम लोग? अरे समधी जी, मजाक मत कीजिए और परी के पापा को बुलाइए। परी का पापा? अबे कौन परी का पापा? एक तो हमारी लंडी एक लंडी के साथ भाग गई, अब साले तुम आ गए हो दिमाग चाटने। अरे समधी जी, बहुत मजाक हो गया, अब आओ समधी मिलन समारोह कर लेते हैं। समधी मिलन समारोह कर लेते हैं? तो मान न मान, मैं तेरे मेहमान। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे मारो चाले को। अरे रुको भाई, अरे मार क्यों रहे हो यार? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अरे हम तो अपने बेटे की बारात लेकर बड़ी खुशी रामपुर आए थे। रामपुर? हाँ रामपुर। अरे ये रामपुरा है, रामपुर आगे है 5 किलोमीटर। हमें नहीं मालूम था आप हमारी ऐसी इज्जत करेंगे। चलिए निकलिए। ठीक है, गलती हो गई, माफ करो ना। कर दिया, जाओ। नाराज होने की क्या जरूरत है भाई? अरे जाओ। चलो भाई, चलो। हमको तो लगता है अरे तेजा, सुना है तेरी दुल्हन बहुत सुंदर है। हाय, चौदहवीं का चांद है। हाँ,
अरे पंडित मुल्ला को पीछे भेजो, ये गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। क्या हुआ भाई? अरे क्या खा गया है और इतना गैस छोड़ रहे हो, गाड़ी ब्लास्ट करोगे क्या? अभी काय को मारे जा रहे हो, डांट लगा लो ना, तुम्हारी वजह से हमें भागना पड़ रहा है। अरे हवा तुम छोड़े जा रहे हो और बदनाम हमको कर रहे हो। लड्डू पूरी तो तुमने सबसे ज्यादा खाई है, नीचे हाथ लगा लो ना। अरे पीछे का खिड़की खोल देना, खिड़की खोल दो पीछे का। देखो दूल्हा चला।
नमस्कार। अरे नमस्कार संत जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है। बहुत देर कर दिया आपने आने में। अरे संत जी क्या बताएं, कुछ समस्या हो गई। घर से तो हम बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन भी छोड़िए आप, लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे आप। अच्छा संत जी, फेरे का समय हो गया है। हाँ, द्वार चार करवाना पड़ेगा। हाँ। पंडित जी कहाँ है आपके? अरे पंडित जी आइए ना। हटो भाई हटो। अरे ये है आपके पंडित जी? अरे ऐसा नमूना का पंडित जी तो हम सारी जिंदगी नहीं देखे हैं भाई। ये क्या नमूना नमूना लगा के रखा है आप लोग? इसके पहले शहरी पंडित देखा नहीं है क्या? भाई साहब यही हमारे पंडित जी हैं। आप पहनावे पर बिल्कुल मत जाइए, हैं? ये एक लंबी कहानी है जो हम बाद में बताएंगे। अभी चले हम लोग, नाच गाने की व्यवस्था भी है। जलम समर्पयामि, अक्षत पुष्पम समर्पयामि, मंगलम एतद् द्रव्यम समर्पयामि। जजमान जी 1000 रुपए का नोट हाथ में रखिए। पंडित जी 1000 का नोट बंद हो चुका है। 2000 निकालिए। 500 का ले लीजिए। चलिए 2 500 का नोट रखिए। 500 ही है पंडित जी। विलम्ब कर रहे हो। सब रखिए पंडित जी, थोड़ा सा लाइए। पंडित जी अभी आपने जो मंत्र पढ़ा उसका मतलब तो समझा दीजिए, उसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एतद् द्रव्यम का अर्थ होता है इतना धन, सर से समर्पयामि का अर्थ होता है अपनी खुशी से दे रहा हूँ, अर्थात इतना धन अपनी खुशी से दे रहा हूँ। वाह पंडित जी वाह, इतना पैसा कोई खुशी से देता है? अरे क्या है पंडित जी, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। पंडित जी अब बिना दुल्हन देखे हम सातवां फेरा नहीं लेने वाले। हमें तो दाल में कुछ काला दिख रहा है। दाल में काला? मेरे को तो पूरी दाल ही काली लग रही है। देखो बेटा अभी सातवां फेरा बाकी है, बिना सातवां फेरा लिए दूल्हे को दुल्हन दिखवाने का कोई रिवाज नहीं है सातवां फेरा के बिना। हाँ बेटा, सात फेरा होने से पहले दुल्हन का मुंह नहीं दिखाया जाता, सात फेरा पूरा कर लो। ठीक है अंकल जी, लेकिन हम महिलाएं तो दुल्हन का मुंह देख सकती हैं। मुंह दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं, मुंह दिखा दो ना। ठीक है, हम आप लोगों को बाद में विचार करके बताते हैं। यार लड़की बदली हुई है। मुझे भी लगता है। लगता है सब गोलमाल है भांजे, कुछ तो गड़बड़ है। घूंघर तो देखो इसका, तेजा तो अब गया काम से। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मुझको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरेन बेटा, बाहर बाराती है ना, बैंड बाजा वाले, उनका चाय नाश्ता देख लेना तुम। जी पापा। उठो रे बैंड बाजा वाले, तुम लोग नाश्ता वास्ता कर लो। अरे मुल्ला जी। अरे लाल पलक, क्या बोला बे, हम तुमको बैंड बाजा वाले लगते हैं? हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे मूर्ख। अबे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अब तू यहाँ दोबारा दिखा तो लगाऊंगा एक कारक के नीचे। ये दरी बैंड बाजा वालों के लिए बिछाई गई थी और सो आप लोग गए।
जवानी हाय। बेटा। हाँ पापा। चिंता नहीं करना बेटा, तेरे पापा है ना, सब ठीक कर देगा। पापा ये ऊपर वाले मेरे लिए दुल्हा नहीं बनाए। क्यों कर रहे मेरे साथ ऐसा? मैं ऐसे लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। वैद्य जी, हम लड़की को दिखाने तैयार हैं। अबे तेजा, ये तो वैसी लड़की जैसे तेरी छत वाली, तेरा टाइम पास। हाँ हाँ, मैं वैसी ही हूँ, अब आ रही हूँ हमेशा तुम्हारा टाइम पास करने। सही है सही है सही है। अरे मुझे नहीं करना इस पार्टी पर से शादी, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ हटाओ, सब चुप हो जाओ। बेटा तेजा। जी बाबूजी। ये सब क्या है? अरे बाबूजी, इनकी मैंने शादी में दूसरी लड़की देखा था। अरे बहुत हो चुका तुम लोगों का नाटक, अगर शादी नहीं करनी थी तो ये छह फेरे क्यों लिए? अब बता दिया रहता हूँ, यदि सातवां फेरा नहीं लिवाया तुम लोगों ने तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कान खोल कर सुन लो सब, यदि हमने पैर पूजा है तो पीठ भी फोड़ना जानते हैं। देखो बेटा, मौके की नजाकत को समझो, समझो बात। जिद मत कर बेटा, तुम चुपचाप शादी के फेरे पूरे कर। नहीं करना है बाबूजी मुझे। अरे भांजे, अब जिद छोड़ो और जल्दी से सातवें फेरे पूरे कर लो, वरना हमारी पीठ फुलाई हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार हमने पीठ फुलाई कराई है। जिद मत कर बेटा, आगे बढ़। आइए आइए। विवाह संपन्न हुआ, जजमान दक्षिणा निकालो। क्या हुआ दीदी? भैया, इन्होंने ना जाने मुझे क्या क्या बोला है, बहुत इंसल्ट किया है भैया, अपर डीपर ना जाने क्या क्या बोला है भैया। हिसाब होगा, पूरा पूरा हिसाब होगा। भैया आप एक काम करो, कहीं से ना जमाल गोटा लेके आओ। ठीक है दीदी, लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, जल्दी लाना। चलो चलो। जमाल गोटा। अरे दीदी, वो वाली ड्रेस कहाँ है? अरे मुझसे ना दाल गिर गई थी तो मैंने धो के सुखाने को आई हूँ। एक बात बोलूं? वो वाली ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने ना वो तेजा की शादी के लिए लिया था, जाते समय ना फिर से पहन के जाऊंगी। ठीक है। अरे गजब करते हो मुल्ला जी, अरे खाने बैठे हो कि? छी, पता नहीं लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। मयूरी, कुर्सी की आवाज है। अरे ताए को उठ पुटांग बोलते हो, खाने भी नहीं दे रहे। अरे भाई मुल्ला जी, पेट खराब है तो पहले फ्रेश हो लो, खाना बाद में खा लेना। सही है सही है सही है। लाल पाला को मत खाने भी नहीं देते चैन से। अरे जाने दो यार। भाई साहब, अब तो विदाई का समय आ गया,
लेकिन एक बात आपने अच्छा नहीं किया। हमसे कोई गलती हो गई भाई साहब? आपने दुल्हन बदल कर हमारे भतीजे के साथ में अच्छा नहीं किया। सही कह रहे हैं बाबूजी, ये सब लोगों की पहचान नहीं है। हमने कोई दुल्हन उल्हन नहीं बदली है। मुझे अपनी बड़ी लड़की की शादी करनी थी तो मैंने कर दिया। भाई साहब, तेजा आपकी बेटी को पहले ही देख चुका था जब वो मेरी बेटी शालू की शादी में जयनगर आई थी, समझे आप? जयनगर? जयनगर तो मेरी छोटी बेटी गई थी शादी में। क्या मतलब, तेजा ने आपकी छोटी बेटी को देखा था शादी में? तो वही गई थी। अच्छा, अब समझ में आया पूरा मजरा। कहाँ है आपकी छोटी बेटी? वो तो कानपुर में है भाई साहब, उसकी परीक्षा चल रही है। हमने तो वैद्य जी को पहले ही कह दिया था कि शादी के समय उसकी परीक्षा चलेगी। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं वैद्य जी को पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़ा सा फ्रेश होने का मन कर रहा है। हमको भी लग रहा है। मैं अपनी फूल से बच्ची को आपको सौंप रही हूँ, संभाल के रखिएगा इसे। बड़ी मासूम है मेरी बेटी। क्या बोली सासू माँ, फूल सी बच्ची? तो ये भी बता दीजिए कौन सी फूल है आपकी बच्ची? गुलाब का फूल समझ लीजिए दामाद जी। वो क्या है ना, विदाई के समय सासू माँ अक्सर ऐसा कहा करती है। समझ रहे ना बात को? Oh.
अरे बेटा ये क्या है? अरे विदाई के समय लोटा गिफ्ट। अरे भाई हमने तो आज तक कभी ऐसा कहीं ना देखा है ना कहीं सुना है। आजकल का यही सिस्टम है मामा जी। जो कहते हैं ना, जब लोटा होगा पास तो बेवक्त देगा साथ, दिन हो या रात। चलो भाई ठीक है, अब आप जब लोग ये सब गिफ्ट कर रहे हैं तो यही सही। चलिए अब हम चलते हैं विदाई। लोटा, लोटा देख के गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। बस वाले भैया, बस रोकिए 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 भैया रोकिए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे मुनीम जी आप? अरे बैठ जी आप। अच्छा अच्छा आ रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, एक मिनट रुको जरा आता हूँ। अरे वाह मुनीम जी से मुलाकात हो गई। लेकिन मुनीम जी आप यहाँ? हमारी बस रास्ते में भुड़ 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 होकर बंद हो गई जी। आपका मतलब है आपकी बस भुड़ 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 होकर बंद हो गई? अरे तो अच्छा हो गया, इस बार मुलाकात हो गई आपसे और हम आपको याद भी कर रहे थे। लेकिन मुनीम जी अब ये बताओ आपको परेशानी क्या है? अब अपनी बहू को कैसे लेके जाएं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बहू को जी, देखो जी। बहू आपकी है तो मेरी बहू हुई। हाँ जी, आप हाँ जी, भी मेरे हैं, ये बस भी मेरी है जी। आराम से अंदर आओ ना। हाँ बोलो बहू को। बहू आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आइए आइए अंदर आ। चलो चलो चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए बैठ जाइए। चलो चलो ड्राइवर, चलो चलो बच्चों। मेरा इंसर्ट करने में बड़ा मजा आया ना तुम लोग को ना। अब देखो मैं तुम्हारे रास्ते में क्या हाल करती हूँ। पर मार डालेगा क्या? हाय हाय, थोड़ा धीरे चला मेरे राजा। ए ड्राइवर, बस रोको बस रोको, बर्दाश्त के बाहर है। रोकता हूँ बाबूजी, रोकता हूँ। बरात है कि तमाशा? और बोलो मुझे अपर डिपर ना मुनो, तुम लोगों का पेंट पीला ना करा दी तो बड़ी परी मेरा नाम नहीं। अब संतोष हुआ, जान बची लाखों पार। रोक रोक, मैंने तो कर दिया। अरे चुप साला, पूरा बस गंदा कर दिया। रोको रोको ड्राइवर, बस रोको। बस नहीं रुकेगी। रुको 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 रुको, मार डालेगा क्या? आओ उतरो, चलो उतरो सब, चलो। अरे आओ भाई सबको, सब आओ, हाथ लगाओ, इसको निकालो। जोर लगा के आई सा, जोर लगा के आई सा। लकड़ी के ऊपर काहे मरने गया था?
राम नाम सत्य है, सत्य ही में गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य ही में गत्य है। राम नाम सत्य है। दवा खाने ले जा रहे हो कि स्मशान घाट में जलाने? मूर्ख, ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ, सभी लोग आ गए हैं। ना करते मेरा अपमान तो बाबू ना होते परेशान, आया समझ में? कितनी प्यारी है मेरी बहू। क्या माँ जी, तेरे को ये अपर डिपर परी लग रही है? अरे माँ जी, ये मुनीम जी की बहू है, लगता है हमारा अपर डिपर वहां रह गया है। अरे भाई, तेरी वाली दुल्हन गलती से मेरे पास रह गई थी, अपनी वाली दुल्हन एले पकड़। भाई एक काम कर, एक के साथ एक फ्री है, इसको भी लेकर तू जा, ठीक है? क्या बोले आप, एक के साथ एक फ्री? आप औरतों को खिलौना समझते हो क्या? अरे इस अपर डिपर दुल्हन को मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतनी प्यारी दुल्हन है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यही अपर डिपर लिखा था तूने, मेरी तो किस्मत ही खराब। तेजा, ये पति पत्नी का रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, हम लोग नहीं बनाते। तेरी किस्मत में यही पत्नी लिखी थी, यही पत्नी। चल ऊपर लेके आ, जल्दी लेके लेके आ। चलो चलो। सीधा जा। इतनी अच्छी पत्नी है, ले क्या? देखो उमा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो होता है अच्छा होता है, समझो। यही ऊपर वाले की मर्जी थी। देख मुन्नी, भगवान ने उसे दिव्यांग बना दिया, वह बोल नहीं सकता, लोग उसको गूंगा कहते हैं, उसको परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते। सोच सोच उसके दिल में क्या गुजरती होगी। अब तू भी उस बहू के साथ वही कर रहा है? मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जो दिव्यांगों से प्यार करते। देख मुन्नी, भगवान ने उसे दिव्यांग बना दिया, वह बोल नहीं सकता, लोग उसको गूंगा कहते हैं, उसको परेशान करते। अब तू भी इस बहू के साथ वही कर रहा है? परी, I love you।